मनपसंद की साड़ी पहन के तैयार हो गए। बताओ मेरा पहला टास्क क्या है। याद मेरी सारी बातें मान ली। ओ राजा, सुबह से शाम हो गई पर तेरे को राजा बन। आदमी को शक्ल देख के बात करनी चाहिए अपनी। मेरे लिए कड़क सी गर्म गर्म गर्म। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। ये आग भी नहीं खुल रही है यार, क्या बात है। इलायची वाली चाय की खुशबू आ रही है। अरे वाह, क्या मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। छोटे बच्चे ने खुद ही चाय बना के पी ली। तू तो बहुत समझदार हो गया यार। अब मुझे समझदार होना पड़ेगा। ये तूने कहाँ से सीखा? अपने कंधों पर तूने इतना बड़ा बोझ क्यों उठाया? उठा लिया ऐसे ही चलते में। भाई आज मैं जिम तो गया नहीं क्योंकि भाई रात को लेट तक एडिटिंग करता रहा था और नींद खुली मेरी लेट, तो मैं उठा था और फिर वापस सो गया। एंड गाइस, आपका अपना चीकू क्या बना रहा है? चीकू, आजकल लोग बोल रहे हैं यार आप बड़े मतलब उदास उदास रहते हो, खुश नहीं रहते हो, क्या बात है? ठंड लग गई मेरे को। भाई सोनम ने बनाई है आज गुवार की फली। अभी बीमारी से उठे हो तो थोड़ा रिकवर होने के लिए कुछ अच्छा चाहिए ना। अभी डाइटिंग में कुछ नहीं है, खाओ पियो और रिकवर करो खुद को। ठीक है तो इतना बना ले, मैं तो खा लेता हूँ, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। सोनम एक चीज बताऊँ मैं तेरे को, जब तक मैंने तुझसे शादी नहीं करी थी ना, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता तेरी शक्ल देख के कि तू इतना अच्छा खाना बना सकती है, लेकिन डे बाय डे यार तू इम्प्रूव करती जा रही है। किसी को तो टैलेंट बोलते हैं। क्या लाना है? एक और ही। अभी चलते हैं बाहर, बिस्कुट लेकर आनी है और अपने लिए अंडे। कौन सा लाना बता देना। एंड बुलेट का हाल तो आपको पता ही है। एंड गाइस, आज दिल्ली के अंदर 3 दिन बाद धूप निकली है। एंड गाइस, इसका कोई काम नहीं है, इसको सोते ही रहना है। जब देखो जब सोता ही रहता है। भाई धूप आ गई। हेलो, अरे गुड मॉर्निंग होगी। ये नहीं उठेगा गाइस। सो हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। भाई लोगों, आपके प्यार और दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। मुझे हल्का फीवर था जो होके निकल गया और मुझे किसी भी तरीके के कोरोना सिम्टम्स नहीं है। एंड गर्म पानी, सारी सप्लीमेंटेशन प्रॉपर चल रही है। भाई तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया। सभी के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, लव यू गाइज। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि सोनम चीकू को मैंने पकड़ लिया। आज के लिए बड़ा उदास उदास रहता है भाई, इसी से पूछ लो तू क्यों उदास रहता है। ठंडी लग गई गाइज। मैंने क्या सोचा है ना, आज सोनम को मैं एक टास्क देने वाला हूँ। टास्क क्यों दे रहे हो मेरे को? तो गाइज, टास्क ये है कि इसके जो दूसरे वाला रूम है जिसका वार्डरोब है, वहां पे इसने इतनी सारी साड़ियां रखी है, इतनी सारी साड़ियां रखी है, वो मेरे को लगता है जंग खा के खराब हो जाएंगी। साथ में इसकी इतनी भारी भारी ज्वेलरी है। टास्क ये है कि मैं जो साड़ी बोलूंगा वो इसको पहननी पड़ेगी, जो ज्वेलरी मैं बोलूंगा वो इसको पहननी पड़ेगी। रेडी हो मैडम? तो रेडी हूं, पर तुम्हारे माइंड में क्या आया? बस मेरा आइडिया है, मेरा दिमाग है, मैं कुछ भी बोलूं तुझे करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है। इसको साड़ी पहन के और ज्वेलरी पहन के जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। ऐसा क्या बोलोगे तुम? मतलब मैं कुछ भी बोलूं, मैं डांस करने के लिए बोल सकता हूँ, मैं झाड़ू लगाने के लिए बोल सकता हूँ, मैं चाय बनाने के लिए, एनीथिंग, जो मेरा मन करेगा वो मैं बोलूंगा, लेकिन तुझे करना पड़ेगा। तभी तो मजा आएगा यार। बट जाओ साड़ी पहन के आओ। ज्वेलरी पहननी है? तो कोई हैवी टास्क दूंगा तो तेरे पास अगर ज्वेलरी होगी, साड़ी होगी, करने में दिक्कत होगी, तभी तो मजा आएगा। मेरे पास ये है। एक काम करिए, सारे पहन। ऐसे क्या देख रही है? प्लीज मजाक मत करो, नहीं तो सारे पहनेगी। यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगी। ला मैं पहनाऊं। 3 1 2 3 4 तुम्हारे दिमाग में उल्फुल, तुम्हारे दिमाग में उल्टू पुल्टू। उल्टू पुल्टू मैं शक्ति के साथ रह के तोतली हो चुकी हूँ। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पार्ट टाइम प्लम्बर भी है, ये जो छोटा मोटा काम होता है ये करता है। देख सोनम, मोर की आवाज कह दो रही हूँ, मजे हो रहे हैं। पता कौन से पहनेगी? ये सारी साड़ियाँ गाइस के पास, 1 2 3 4 5 6 7 न्यू भी है और 8 9 10 11 12, तो कोई नहीं, इन वाली साड़ियों को तू बाद में पहन ले, तेरे पास यहाँ पे भी स्टॉक है। बहुत सही लगेगी। ब्लू तूने आज तक नहीं पहनी है? अरे हाँ, मैं तो ये भूल गई थी। पहन के देख, एक नंबर लगेगी। एक नंबर ना लगे और 2 नंबर लग जाए तो मेरे को नाम बदल दियो। ओके डन। लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पता है ये साड़ी कब की है? कब की है? जो हमारी एंगेजमेंट हुई थी, वो मैंने उसके बाद कभी भी नहीं पहनी। एक स्पेशल चीज भी दिखाती हूँ, अब वो स्पेशल चीज ये रही गाइस, क्योंकि मेरा अभी होम डेकोर चल ही रहा है, यहाँ से लेके सब डेकोरेट मैंने कर रहा है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तो आपको दिखाऊंगी। तो गाइस आपने देखा, अभी मैंने सोनम को 3 नई और साड़ियां दिलाई, इन साड़ियों का इतना सारा कलेक्शन, इन सब खर्चों का कुछ हिस्सा मैं बिनोमो से मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि बिनोमो है मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मेरे रियल अकाउंट में 8,000 रुपए, अगर आपके पास रियल मनी नहीं है तो आप डिपॉजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आपको एसेट्स को सेलेक्ट करना है, जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड गाइस यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग ग्राफ्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे माउंटेन लाइन, कैंडल एंड बार। एंड गाइस यहाँ पे आपको इस ग्राफ को देखकर प्रिडिक्ट करना होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ आएगा। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा 7,000 रुपीज अप पे और ट्रेड कंप्लीट होने का वेट करूंगा।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अर्न कर ली 12,810 रुपए और मेरे रियल अकाउंट में हो चुके हैं 14,016 रुपए। अगर गाइस ट्रेड से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो इनका सपोर्ट का फंक्शन है जहाँ पे क्लिक करके आपको चैट हजेंडर कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है, उसके साथ में आपको टूर्नामेंट का फंक्शन मिल जाता है जहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप और अर्न कर सकते हैं। गाइस अगर आप भी मेरे तरह ट्रेड करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिना एप्लीकेशन का लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिल जाते हैं जहां से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। मैडम आपने साड़ी पहन ली, आपका साड़ी पहनने वाला काम हो गया, अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो पहनना है आपको ज्वेलरी। ये साड़ी पहननी पड़ेगी। कोई और डिमांड हो तो अभी भी बता सकते हो तुम मुझे। नहीं मैडम ये डिमांड है बस। साड़ी पहनोगे ना? शादी के लिए मैं लेके आई थी बट ये ना पहन के मैंने दूसरे वाले वेयर कर लिए। कहीं ये पहने होते तो कितनी अच्छी और पिक्स आती मेरी। बट कोई ना, शादी तो नहीं हो सकती है, काम आएगा तो मैं पहनूंगी। तो गाइस पहला नेकलेस हो गया कंप्लीट। ये तुमने इतना लूज क्यों बनाया है? तो बहुत सारे पहनने हैं ना, एक थोड़ी ना पहनना है तेरे को। ये वाला नेकलेस ना सदर मार्केट से शक्ति मेरे लिए परचेज करके लाए थे, याद है? हाँ, और वो भी 350 रूपए। वो भी 350 रूपए का। ठीक है, क्या कमी है इसमें 350 रूपए में? तीसरा निकालो। अब देख कितनी सही लग रही है, देख तू। 1, 2, 3 पसंद के कानों में झुमके ये वाले पहनने पड़ेंगे एंड उसके साथ में ये मांग टीका को फटाफट से पहनो। सब सिर्फ अपने गर्ल्स के लिए दिखा रही हूँ, बॉयज का तो कोई काम नहीं है इनसे। ठीक है, अब तो तुम्हारी मनपसंद की साड़ी पहन के तैयार हो गई, अब बताओ मेरा पहला टास्क क्या है? तो ज्यादा हार्ड मत बताना। देखो तुम्हारा पहला टास्क ये है, तुम्हें डांस करना है। पहले तो कोई भी किसी भी गाने पे नॉर्मल सा डांस करना है एंड उसके बाद में थोड़े से मूवमेंट दिखाने ट्रेडिशनल ड्रेस में वेस्टर्न गाने के। ये दो टास्क अभी पहले कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट टास्क बताऊंगा। पीछे आना मेरी जाल में ना आईंदा जाल पीछे पीछे आना मेरी जाने में नहीं। वही है ना? हाँ वही। ओके आई एम रेडी। एक बार वो सलूट करके दिखाना जो मैंने तेरे को सिखाया था, जो हमारे दिल्ली पुलिस का पहले वाला सलूट चलता था। दोबारा करना एक बार। ये उंगली ऐसे, फिंगर ऐसे, आपके पास यहाँ सलूट आना चाहिए। गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट एक्शन कैमरा। इतना हैवी डांस करवा लिया, मेरे देखो सारी साड़ी खराब हो गई है। कोई बात नहीं यार, तुमने इतना अच्छा डांस तो किया है। एंड गाइस अभी थोड़ी चिकू की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी इसने डांस कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जब इसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी जब हम इनसे प्रोफेशनल डांस करवाएंगे, ठीक है? ओके। अब आपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए, एक वेस्टर्न ठुमका लगा के दिखा दो। नाक मुका कर सकते हो आप? शक्ति एक बार प्लीज। वेस्टर्न थोड़ी ना वो, साउथ इंडियन है। अरे कोई बात नहीं, तो साउथ इंडियन पे करते, वेस्टर्न पे करते, तो डांस करते, उससे क्या मतलब है? ये डांस जैसा है ना उस पर मुझे खुद भी ऐसी आती है जब मैं खुद डांस करती हूँ, ठीक है? सो बस वेयर कर लेना ये डांस, ठीक है? मैं अपना देखती हूँ कैसा करती हूँ। यार तुमने बहुत बढ़िया किया, ऑसम। ओ गाइस मेरी पूरी साड़ी अब खुल गई है। एंटरटेन करा रहे हैं तुमने, सच बता रहा हूँ मजा आ गया मुझे तो। गाइस बहुत मजा आया, आपको मजा आया नहीं आया कमेंट करके बता देना। अगला टास्क है सोनम का, वो है तो बैठी तो पहले तो खड़ी हो, साड़ी में मतलब झाड़ू लगा के दिखाना है। ऐसी लड़की अपने झाड़ू लगाती हुई देखिए। मॉर्निंग में ही तो लगाया था, एक बार और लगा दे, क्या होगा? टास्क है यार। यार तुम कुछ भी कर रहे हो टास्क की जगह, टास्क के बहाने से काम ही करवा लो। लास्ट वीडियो तक जाना मत भूलना गाइस, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है आपको, क्योंकि आपको पता है मैं क्या करने वाली हूँ इनके साथ। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है ये झाड़ू से तो मैं पेल दूंगा। जिस तरीके से तूने पकड़ा है झाड़ू को, उस तरीके से तेरे इरादे तो कुछ और लग रहे। ढंग से लगाओ, ऐसे कोई लगाता है क्या? अब चाट के लगाओ। नहीं चाट के नहीं लगाना, बैठ के लगाओ। शक्ति ज्यादा हो रहा है। गाइस देख लो, एक लड़की जो मेरे काबू में नहीं आती आज मेरी सारी बातें बांध ली। झाड़ू से कटाई होगी तुम्हारी। ज्यादा टास्क नहीं दूंगा, एक या दो टास्क और बचे हैं। अब तेरा अगला टास्क ये है कि पता है क्या है, मैं ना राजा वाली फीलिंग लेना चाहता हूँ। देख इस सोफे पे ऐसे करके हाथ रख के ऐसे पैर करके बैठना चाहता हूँ। अब अंगूर तो है नहीं, मदिरा सेवन में करता नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मीठा तरबूज रखा वही खिला देना अंदर। ओ राजा।
तूने आदत कर रखी है सुबह से सुबह है, सुबह से शाम हो गई, पर तेरे को राजा बनना है। मैं पागल हूँ और सुबह से मेरे चक्कर आ रहा है फिर भी मैं कर रही हूँ। यार टास्क तो टास्क होता है, तुम मार क्यों रही है? अब ये कौन सा तरीका होता मैं राजा हूँ? तरबूज तो खिला दे, इस बार तरबूज भी खाने को मिल जाएगा। सो गाइस इनको राजा बनना है और शक्ल सैनिकों वाली ले रहे हैं, इतने डिमांडिंग हो रहे हैं आजकल। आदमी को शक्ल देख के बात करनी चाहिए अपनी। सैनिक जी सॉरी 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 राजा जी तरबूज खा लो। आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है मेरी? ओ प्रजा, ओ राजा मैं हूँ भाई, तू नहीं है। चलो गाइज मैं फील तो ले ही लेता हूँ। मुझे तुम बैठने भी नहीं दोगे मेरे? ना नीचे बैठो, मैं राजा हूँ, मैं अपना पैर यहाँ रखूंगा। ऐसे नीचे बैठ के मुझे जैसे अंगूर खिलाते हैं वैसे तरबूज खिलाओ। ज्यादा हो रहा है, ठीक है खिला देना यार, एक बार बैठ जा नीचे प्लीज। ये स्त्री का अपमान है। अरे मैं तो रिक्वेस्ट करके बिठा रहा हूँ। तरबूज नहीं खिला रही है, पतला निकाल रही है। कितना बड़ा मुंह है तुम्हारा। बाहर निकाला ना तो ध्यान रखना, सफाई मैं नहीं करूंगी। राजा बनने का इतना शौक है, रानी होने के नाते क्या देते हैं? आदेश देती हूँ। राजा बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब एक रानी होने के नाते एक आदेश देती हूँ तुम्हें। जाओ तुझ सैनिक मेरे लिए कड़क सी गर्म 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 कान का कुंडल बेच के खा गई इसके पास है ना। अबे तू सैनिक जा, मेरे लिए चाय बना के ला, बहुत हो गया तेरी दादागिरी। इतनी देर से देख रही टास्क पे टास्क दिए जा रहे हो हैं, अपना वैसे भी चाय पीने का टाइमिंग हो गया, क्यों बड़े लोग? अब मैं अपनी कक्ष में आराम करूंगी। तो गाइस महारानी का ऑर्डर है, चाय पीनी है मैडम को, मैं तो अपने जाल में खुद ही फंस गया। अब मैं इतना एक्सपर्ट हो गया चाय है ना, 2 मिनट में बना के तैयार कर देता। गाइस ये महारानी कैसे अपने विश्राम कक्ष में बैठी है, लो महारानी। थैंक यू तुम्हारी लिए, वैसे मैं थक गई थी सुबह से ना। गाइस वीडियो खत्म होती है यहाँ पे, आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। एंड अगर सोनम ये क्या बनी हुई है तू? अब मैं थोड़ा दूसरा टाइप बन गई हूँ। सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दिया होगा, वैसे भी आप हमारे अच्छे ऑडियंस, हमारे अच्छे व्यूअर, हमारे सपोर्टर हो यार, हमें अच्छे से पता है। और गाइस कल आप लोग बोल रहे थे कि भाई कोविड के नाम पे मजाक मत करो, तो भाई कोविड के नाम पे मजाक नहीं किया था, आप लोगों को सरप्राइज दिया था कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है। सो प्लीज डोंट टेक दिस अदरवाइज यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और खुश रहो, आराम करो, सेहतमंद रहो, हमारी तरह चाय पियो। एंड जाते 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 क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फॉलो कर लेना और सोनम चीकू के नाम से, रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।